हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, किसी तरह के सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि परिवार में बहुत सारी समस्याएं इनके चल रही हैं, इनके काम वगैरह में भी समस्या है, कुछ भी इनके साथ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है। और इनका प्रयास यही है कि जो भी चल रहा है इसको ये बदल सकें और अपनी लाइफ में ये हैप्पी रह सकते हैं, अच्छी लाइफ ये जी सकें, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रहा है। जो जैसा चल रहा था कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है और बहुत सारी परेशानियों में इंसान घिरा हुआ है। और अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान अकेले ही रहना भी पसंद कर रहे हैं और ज़्यादातर ये घर ही में रहते हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये इतनी मेहनत करके भी कुछ बदल नहीं पा रहे हैं गाइस, उसकी वजह यही है कि ये खुद को नहीं बदल पा रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ गलत चल रहा है इनके साथ वो ठीक हो जाए, लेकिन ये खुद को नहीं बदल पा रहे। और इनको क्या लगता है कि बहुत बेचारे से हैं, इनसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब ये सब इन्होंने सोच लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार बेसहारा ये समझ रहे हैं, जबकि ये खुद को जब तक नहीं बदलेंगे, जो भी इनके साथ चल रहा है ये बदलने वाला नहीं है। ये सही निर्णय असली बात ले ही नहीं पा रहे हैं। और अभी परेशानियों में घिरे होने की वजह से गाइस ये अपने फिटनेस वगैरह पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 4 दिन तो ठीक रहते हैं, फिर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और वही है कि जो पहले ये एक्सरसाइज वगैरह करते रहे होंगे, अपनी फिटनेस पर जो ध्यान दे रहे थे, अभी बिल्कुल भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं। बस अकेले बैठे रहना, अपनी दुनिया में खो रहना, काम में है, काम है तो काम में बिजी हो गए, और घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, वो भी अभी ये नहीं कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन बहुत सारी परेशानियों का जब सामना कर रहे हैं गाइस, ये नहीं चाहते कि आपको कहीं से भी पता चले, ये नहीं चाहते। और इनको ये समझ में आता है कि अगर आप इनकी परेशानियों को जान लेंगे तो ज़रूर इनकी मदद करेंगे, हमेशा आपने ये किया भी है। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि आपको पता ना चले तो ही ठीक है, क्योंकि आपको फिर भाई ऐसा है कि आप खुश होंगे कि आपसे अलग होने के बाद देखो इनका क्या हाल हो गया, कि आपको यही लगेगा कि हाँ भाई जैसा आपके साथ किया वैसा इनको भी सज़ा मिल रही है, कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए ये कुछ भी नहीं चाहते कि आपको पता चले। और ये इस चीज़ को तो समझ पाते हैं कि आप इनकी तकलीफ़ को सुनकर कभी भी इनकी मदद के लिए पीछे नहीं हटेंगे, करने को तैयार रहेंगे, पर वही है कि आप भाई इनका इनके लिए हंसेंगे भी इन पर, और आपको यही लगेगा कि इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। इसलिए ये कुछ भी आपको बताना नहीं चाहते, या ये नहीं चाहते कि कहीं से भी आपको पता चले कि ये इतनी सारी समस्याओं में घिर चुके हैं। और इनके आसपास कोई तो इंसान ऐसा है गाइस जो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, जिसका खुद का तो कुछ काम नहीं बन पाता, लेकिन वो इनको इतना ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, ये उसकी बात को सुनकर अपना काम बिगाड़ रहे हैं। कोई ना कोई इंसान इनके साथ है, वो दोस्त हो सकता है, कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या परिवार का कोई सदस्य है, ये भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है। तो वो इनको इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं कि जो खुद का काम नहीं बना सकता वो इनका क्या बनाएगा, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और उसी की वजह से इनका सारा काम बिगड़ रहा है और ये परेशान हैं। फिर भी ये उसकी बात को सुनते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। इनका हाल अभी ऐसा है गाइस कि जो भी इनके साथ के लोग हैं, वो परिवार हो, दोस्त हो, सबको अपने आसपास के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। सबके लिए ऐसा है कि सब तरह से उन लोगों की मदद कर रहे हैं, वो लोग इनसे खुश रहें ऐसा ये चाहते हैं, उसी में ये बिज़ी हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको खुद के लिए क्या करना है, या आपके बारे में भी सोचना चाहिए, ये इनका भी ध्यान नहीं है। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके लिए इमोशनल भी ये इंसान है, लेकिन उसको क्या, अपने इमोशंस को ये हाइड कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को भी सुनना नहीं चाहते। बस ये उन्हीं लोगों की सुन रहे हैं और उन्हीं लोगों को खुश करने में लगे हैं, और वो लोग भी अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, इनको बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। और इनका यहाँ पर ऐसा है कि इनकी ग्रोथ भी रुक गई है ऐसे लोगों के साथ रहकर। और ये गलती कहाँ पर कर रहे हैं गाइस कि देखिए, जिस इंसान को भी समझ जाते हैं कि ये इनके लिए सही नहीं है या इसने गलत सलाह दी, उसको क्या करते हैं, फिर वो मीठा बोलेगा, फिर ये उसको माफ़ करके फिर उसी की बातों में आ जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। एक बार अगर समझ में आ गया कि ये इंसान सही नहीं है, इसकी सलाह सही नहीं होती, तो उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपके पर्सन की समझ थोड़ी कम है,
ये ऐसे हैं, फिर उसी इंसान को माफ़ करेंगे, 4 दिन उससे नाराज़ होंगे, फिर वो कहीं मीठा इनसे बोल दिया तो फिर उसको माफ़ करके फिर उसी की बातों में आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, ये इंसान खुद की लाइफ को खुद ही ख़राब कर रहे हैं और इसी वजह से परेशान भी हैं। इनको लगता है कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, जब ये गलत लोगों की सुनेंगे तो कुछ भी ठीक कैसे हो पाएगा। और अभी ऐसा है कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं, कौन इंसान इनके लिए सही है कौन गलत है उसको भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर झगड़े और परेशानियाँ दोनों ही दिखाई दे रही हैं गाइस। बहुत से लोग हैं इनके आसपास जो इन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं गलत होने का, इन्होंने जो नहीं किया उसके लिए भी इनको कहा जा रहा है, बातें सुनाई जा रही हैं, तो ये इन सब से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये तो सबका भला ही चाह रहे हैं लेकिन वो लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं। और हर कोई इनके आसपास का हर इंसान इन पर दबाव डालता है कि वो इनके ये उन लोगों के हिसाब से चलें, उनके हिसाब से काम करें, और इन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, ये किसकी किसकी सुने, ऐसा भी इनका हाल हो गया है। ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको भूलते ही नहीं हैं, तो मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मिस तो उसको किया जाता है जिसको हम भूल गए होते हैं, फिर अचानक उसकी याद आने लगती है। यहाँ ये इंसान आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते, 24 घंटे आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन बात वही है कि अपने इमोशंस को ये हाइड कर रहे हैं और इनका हाल ऐसा है कि जो चल रहा है उसी में बिजी हैं, आपकी तरफ ऐसा है कि ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी बात है गाइस कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो कर्मा ही है, ये भले आपके साथ गलत किए किसी के भी साथ गलत किए उसी की सज़ा है जो इनको मिल रही है, ये अपना कर्मा अभी फेस कर रहे हैं और इस चीज़ को ये भी मान चुके हैं गाइस कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। अब देखिए अपने इमोशंस को भले ही हाइड कर रहे हैं लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये ऐसे हैं कि भले ही भाई वही है कि अपनी अभी दुनिया में बिजी हैं और खुद ही परेशान है, इनका दिमाग तो खुद ही काम नहीं कर रहा कि क्या करना है, और वे दूसरों की सुन सुन कर और बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और जितनी दूरियाँ बढ़ी हैं गाइस उतना ही प्यार भी बढ़ता गया है, ऐसा हाल इस इंसान का है और ये जानते हैं आपके बिना नहीं रह सकते पर अभी आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते और ये नहीं चाह रहे हैं कि इनकी परेशानियाँ आपको पता चले, नहीं तो आप खुश हो जाओगे ऐसा इनको लगता है। ये अपने इमोशंस आपको दिखाना नहीं चाहते और ये ऐसा दिखाना चाहते हैं गाइस कि ये इनकी लाइफ में मस्त चल रहा है सब कुछ, ये ऐसे हैं कि बैलेंस्ड हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ना होने से, ये इस तरह से दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ रहा है और ये समझ भी गए हैं कि जो गलत किया है इन्होंने उसी की सज़ा अभी इनको मिल रही है। दिन ब दिन इनके मन में आपके लिए और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ भी रहा है, लेकिन ऐसा है गाइस कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं गाइस कि ये जितना ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आपसे दूर भागेंगे उतना ही ये खुद हर्ट होंगे, जबकि इनका काम वही है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, जब इतना प्यार ये करते हैं फिर यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके बिना ये रह भी नहीं पाते, लेकिन वही है कि उस चीज़ से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, खुद को बिज़ी रखने का प्रयास करते हैं। प्यार तो दोनों तरफ है गाइस, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, वो भी आपसे उतना प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वही है अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, जबकि आपका ऐसा नहीं है। आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप यही चाहते हैं कि भाई वो आ जाएँ और अपनी गलती भी मान लें, आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इंसान का थोड़ा उल्टा है, ये प्यार करके भी इन सब चीज़ों से क्या है दूर भाग रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। अभी आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी बनी हुई है गाइस कि आपके पर्सन को कभी तो ये लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी उनको लगता है आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तो यहाँ पर ये इंसान को ये नहीं है कि आपके लिए एक्शन ले लें, इनको समझ में आना चाहिए कि भाई आप इन्हीं के लिए बने हैं, आप इन्हीं का इंतज़ार कर भी रहे हैं, किसी और के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, इन सब चीज़ों को ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। उम्मीद ये भी करते हैं गाइस कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ और ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि खुद से कोई प्रयास करना नहीं चाहते। आपके लिए ये इंसान अच्छी बातें सोचते हैं गाइस, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, आपके बारे में बुरा नहीं सोचते, और इनका ऐसा है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में इन्होंने छोड़ दिया है, इनको ये लगता है कि ऊपर वाला चाहेगा तो आप दोनों फिर से एक होंगे, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं और इनको वो सब कुछ याद है गाइस जो आपने इनके लिए किया है, वो कुछ भी नहीं भूले और उनको पता है आज भी अगर इनकी परेशानी को आप जान जाओगे
तो इनके लिए हमेशा तैयार आप रहे हैं और आज भी रहेंगे इनका साथ देने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि इनको मुसीबत में छोड़कर भाग जाएंगे, पर ये अभी कुछ भी आपको बताना नहीं चाह रहे, ना ही यहाँ पर अभी आपके लिए कोई एक्शन ये लेना चाहते, अभी अपनी समस्याओं को सुलझाने में ही लगे हुए हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आपके लिए तो एडवाइस यही है कि आप अपनी लाइफ में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ भूल कर, वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है और लेट गो करना है। किसी भी चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहना, किसी भी इंसान के पीछे भागना नहीं है। चीज़ें सुधरेंगी, समय लगेगा, पर सब कुछ ठीक भी होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी उतना ही प्यार आपसे करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं। तो आप दोनों को अलग होना ही नहीं है, यहाँ पर तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो रिश्ता तो सही होगा, न्यू बिगनिंग भी यहाँ दिखाई देती है, पर इसके लिए आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। पहले तो ये अपनी लाइफ की समस्याओं को सुलझाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए और को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।